आप आप सभी सभी को को नमस्कार। नमस्कार। तिलक तिलक लगा लगा के के उम्मीद करता करता हूँ हूँ आप आप लोग लोग बेहतर बेहतर होंगे, होंगे, अच्छे अच्छे होंगे होंगे और और आपको आपको आवाज आवाज भी भी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया से से आ आ रही रही होगी। होगी। एक एक बार बार फटाफट फटाफट से से कमेंट कमेंट करके करके बताइए बताइए कि कि आवाज आवाज ठीक ठीक है। है। आप आप सभी सभी को को बहुत 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 सुप्रभात, सुप्रभात, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू टू एवरीवन। एवरीवन। जल्दी जल्दी से से जल्दी जल्दी जुड़ जुड़ जाइए जाइए और और बताइए बताइए आज आज का का जो जो सेशन सेशन शुरू शुरू करने करने वाले वाले हैं हैं वो वो है है वन वन वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन का का क्रॉन क्रॉन से से रिलेटेड। रिलेटेड क्रॉन क्रॉन से से कितने कितने सारे सारे वर्ड्स वर्ड्स हमारे हमारे पास पास बनते बनते हैं हैं जिसको जिसको हम हम एक 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 करके करके आज आज देखने देखने वाले वाले हैं। हैं। डेली डेली शो शो चलता चलता है है ही ही आपके आपके पास पास 9 बजे।9 बजे क्रॉन क्रॉन का का रूट रूट मीनिंग मीनिंग होता होता है है टाइम। टाइम। आप आप एक एक बार बार मुझे मुझे खुद खुद से से बताइए बताइए कि कि आप आप कौन 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 से से वर्ड वर्ड हैं हैं जो जो क्रॉन क्रॉन से से रिलेटेड रिलेटेड आप आप जानते जानते हैं। हैं। क्रॉन क्रॉन से से रिलेटेड रिलेटेड कितने कितने वर्ड्स वर्ड्स हैं हैं जिनको जिनको आप आप खुद खुद से से जानते जानते हैं, हैं, उन उन वर्ड्स वर्ड्स को को एक एक बार बार मुझे मुझे बताने बताने की की कोशिश कोशिश कीजिए, कीजिए, फटाफट। फटाफट। चलिए, चलिए, सो सो यहाँ यहाँ पर पर एक एक बार बार आवाज आवाज का का एक एक इशू इशू है, है, मैं मैं इसको इसको रिजॉल्व रिजॉल्व करने करने की की कोशिश कोशिश करता करता हूँ। हूँ। बने बने रहिए रहिए एक एक सेकंड सेकंड बस। बस। इतने इतने आप आप पढ़िए पढ़िए कि कि यहाँ यहाँ पर पर कौन 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 से से वर्ड्स वर्ड्स दिए दिए गए गए हैं हैं और और साथ साथ ही ही मैं मैं आवाज आवाज की की बात बात भी भी ठीक ठीक ठाक ठाक करने करने की की कोशिश कोशिश करता करता हूँ। हूँ। हाँ, हाँ, साउंड साउंड डबल डबल आ आ रही रही है, है, मुझे मुझे भी भी डबल डबल आ आ रही रही है है भाई। भाई। सर यह बताइए अब कैसी आ रही है आवाज? अब ठीक है आवाज? अब बताइए, डबल साउंड अब नहीं आ रही होगी, बिल्कुल अब सही होगी आवाज। एक बार फिर से बताइए, क्या आवाज बिल्कुल ठीक से आ रही है? एक बार जस्ट कंफर्म कीजिए कि आवाज ठीक से आ रही है और उसके बाद हम बहुत तरीके का मोमेंटम शुरू करने वाले हैं। ये जो पूरी की पूरी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है इस तरफ मेरे पास, तो क्रॉनिक, क्रॉनिकल, क्रॉनिकलर, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजिस्ट, क्रोनोलाइज, क्रोनोलॉजर, क्रोनोबैरोमीटर, क्रोनोसाइल, साइक्लीग्राफ और क्रोनोग्राफ, क्रोनोग्राफी, क्रोनोमैंसी, क्रोनोलॉजिक, क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोमीटर, क्रोनोफर, क्रोनोस्कोप, क्रोनोस्कोपी, सिंक्रोनस या क्रोनोथर्मल में से कितने सारे वर्ड्स हैं जो आपने सुने हुए हैं? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। चलिए, आवाज बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो पहला शब्द आज का आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो है क्रॉनिक, और क्रॉनिक शब्द एक एडजेक्टिव होता है, क्रॉनिक शब्द एक एडजेक्टिव होता है। ये जो मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताता हूँ, यहाँ से जो भी डिस्कस किया जाता है इसको नोट किया करो, और अब नोटबुक में नोट करने के साथ साथ मेंटल कैचअप भी किया करो इनको। क्रॉनिक शब्द आईसी से खत्म है, क्या होगा? एडजेक्टिव बताया था, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब क्रॉन का मतलब ही होता है टाइम, तो क्रॉनिक का मतलब होता है जो चीज बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, एज ए क्रॉनिक इनवैलिड, क्रॉनिक डिजीज, है ना, क्रॉनिक इम्पेशेंस, तो इस तरह से। और जो चीज क्रॉनिक नहीं होती वो कम देर की होती है उसे बोलते हैं एक्यूट। जैसे बीमारियां दो तरह की होती है, एक लंबे समय तक चलती रहती है क्रॉनिक डिजीज कहलाती है, और एक छोटी समय के लिए सर्दी जुकाम बुखार जो होता है जिसे आप फ्लू के तौर पर, फीवर के तौर पर कह देते हो, वो चीजें एक्यूट डिजीज होती है। तो यहाँ पर ये जो क्रॉनिक का एंटोनिम बनेगा वो क्या बनेगा भाई? एक्यूट। क्या बनेगा? एक्यूट। बराबर इन चीजों को लिखते जाइए और साथ में बढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर टू आपके पास है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल नाम की एक मैगजीन भी आती है, और क्रॉनिकल जो शब्द है वो आपके पास यूज होता है अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 1947, 2001, 2008 और 2020, तो यहाँ पर क्या क्या हुआ था? तो 1947 के अंदर हिंदू मुस्लिम झगड़ा या इंडिपेंडेंस, हमारे देश की आजादी आई थी, ठीक है। 2001 में क्या हुआ था? तो गुजरात के अंदर एक भूकंप आया था। 2008 में क्या हुआ था? तो लेहमन एंड ब्रदर्स अमेरिका का बैंक कोलैप्स हो गया था, और 2020 में कोविड-19 आया। तो इसका मतलब अगर मैंने ये सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ टाइम से इनको अरेंज करने की कोशिश की, तो रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, इसे कहते हैं क्रॉनिकल। क्या कहते हैं? क्रॉनिकल, वेरी गुड, इसे कहते हैं क्रॉनिकल, वेरी गुड।
चलिए अगला शब्द देखिए, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजों में इसलिए समझा रहा हूँ चीजों को, ताकि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? चलिए इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला वर्ड आपके पास है क्रॉनिकलर। क्रॉनिकलर का मतलब हो जाएगा जो पर्सन क्रॉनिकल को क्रिएट करता है, जो हिस्ट्री को या रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स को ऑर्डर ऑफ टाइम लगाने की कोशिश करता है। मतलब ये हुआ कि इसका मतलब हिस्टोरियन, जो पर्सन इतिहासवाद यानी इतिहास की जानकारी रखता है, आंकड़ों को और घटनाओं को दिनांक या तारीख के हिसाब से, उनके वर्ष काल के हिसाब से, उनके समय काल के हिसाब से उनको अरेंज करके समझाता है, बताता है या उस तरीके से काम करता है, उसको क्या कहते हैं? क्रॉनिकलर कहते हैं, ठीक है? अगला देखिए, इसी के अंदर है क्रोनोलॉजी। क्या वर्ड है? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी शब्द पिछले दिनों में बड़ा ही फेमस हुआ था, क्या आप कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे आखिर क्यों हुआ था? क्रोनोलॉजी, आप क्रोनोलॉजी समझ पा रही हैं? संसद के अंदर भाषण देते दौरान इस तरह की चीज कही गई थी। क्रोनोलॉजी, LOGY शब्द का मतलब ही होता है किसी तरह की साइंटिफिक स्टडी। लॉजी शब्द जहाँ पर भी लगता है इसका मतलब होता है साइंस, जहाँ पर होते हैं लॉजिक, जहाँ पर होते हैं तर्क, तो जहाँ पर भी किसी चीज की साइंस या किसी चीज की स्टडी होती है उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं। द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग इवेंट्स बाय पीरियड एंड बाय डेट, उसके समय काल पीरियड के अकॉर्डिंग और डेट के अकॉर्डिंग किसी इवेंट को रिकॉर्ड करने का जो विज्ञान है, जो स्टडी है, जो अध्ययन है, उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं। वेरी गुड, क्रोनोलॉजी, वेरी गुड। साथ साथ इसको लिखते रहिए सारे के सारे वर्ड्स को, और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स जो क्रॉन रूट वर्ड से बनते हैं वो सारे आपको याद हो जाएंगे, और साथ ही साथ इसकी एक्सरसाइज भी हम इन द एंड करने वाले हैं। डेली हम एक्सरसाइज जरूर करते हैं जब भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम रूट मेथड से करते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक की बात क्लियर है? अगर यहाँ तक की बात आपको क्लियर है तो एक बार यस या वाई लिख कर क्लियर कीजिए, और फिर हम बढ़ते हैं अगली शीट की तरफ, ठीक है? अगली शीट की तरफ बढ़ रहे हैं, फटाफट से बताइएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, क्रोनोलॉजिस्ट। अब क्रोनोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा? जो पर्सन क्रोनोलॉजी के हिसाब से चीजों को रखने की कोशिश करता है। IST जो वर्ड से खत्म होने वाले वर्ड्स हैं वो किसको शो करते हैं? किसी न किसी पर्सन को शो करते हैं, किसी व्यक्ति को शो करते हैं। एन एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ क्रोनोलॉजी, जो पर्सन क्रोनोलॉजी के विज्ञान में एक्सपर्ट होता है, धुरंधर होता है, उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिस्ट। वेरी गुड, ठीक है। गुड मॉर्निंग संजय, गुड मॉर्निंग मोहित, गुड मॉर्निंग धारा सिंह, वेरी गुड। द लाइब्रेरियन हैज मेंटेन्ड क्रॉनिकल इन सेक्शन ऑफ हिस्ट्री बुक्स, वेरी गुड आकृति, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। अगला शब्द आपके पास है क्रोनोलॉजाइज। IZE या ISE से खत्म होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ब होते हैं, और क्रोनोलॉजाइज का मतलब होता है टू गिव टू टाइम इट्स पीरियड एंड टू एन इवेंट इट्स डेट, किसी भी पीरियड को, किसी भी डेट को, किसी भी इवेंट को उसकी डेट देना, किसी पीरियड को उसका समय देना, मतलब वो घटना कब हुई थी। यानी कि हम देखो ये नहीं कहते, कई बार आपने कहते सुनते हमारे बड़ों को देखा होगा कि आजादी के दौरान ऐसा हुआ था, हम कहते हैं सन 47 में ऐसा हुआ था। यानी सन 47 एक अपने आप में एक ऐसी रिमार्केबल घटना हो गई कि जिसको हम समय के दरमियान वर्ष के नाम से जाना जा सकता है। जैसे आपके पास कई अक्टूबर क्रांति के नाम से कोई फ्रांस के अंदर प्रसिद्ध है, कोई जुलाई मिशन के नाम से कोई चीज प्रसिद्ध है ना, और जैसे आपके पास 9/11 की जब भी बात आती है तो अमेरिका के पेंटागन में हुए हमले की बात वहां पर दिखाई देती है, जो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग थी उसको गिराने का जो काम किया गया था। इस तरह की चीजों के अंदर 9/11, या भारत के अंदर जो मुंबई हमले हुए थे उसमें 26/11 के नाम को ही उसको नाम दे दिया गया है। तो जब किसी इवेंट को, जब किसी काल को एक समय मिल जाता है, एक डेट मिल जाती है, एक तारीख मिल जाता है, एक महीना मिल जाता है, एक वर्ष मिल जाता है, उसे क्रोनोलॉजाइज कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्रोनोलॉजाइज कहते हैं, ठीक है? चलिए एक उदाहरण आप भी दीजिए जो आप दे सकते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर कई बार लोग बात करते हैं इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के अलावा भी बात कर सकते हैं कि ये इस साल में लगी थी, या भारत ने पहला जो वर्ल्ड कप जीता था वो कौन से सन में जीता था, तो
कई लोग बात करते वक्त बोल भी देते हैं 83 की बात है, 84 की बात है, उस तरीके की चीजों को क्रोनोलॉजाइज के नाम से जाना जाता है। अगला शब्द आपके पास आता है क्रोनोलॉजर। क्रोनोलॉजर और क्रोनोलॉजिस्ट में कोई फर्क नहीं है, यानी फिफ्थ और सेवन के मीनिंग सेम है, बस लिखने के ढंग अलग अलग है। ER से खत्म होने वाले वर्ड्स भी नाउन होते हैं। दिस इज द अनदर नेम फॉर क्रोनोलॉजिस्ट। और क्रोनोलॉजिस्ट कौन होता है? साइंस ऑफ क्रोनोलॉजी के अंदर जो पर्सन एक्सपर्ट होता है उसे क्रोनोलॉजिस्ट कहते हैं। इज माई पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? आप सभी को पॉइंट क्लियर है? अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है क्या, सेशन को लाइक करें। चलिए अगला देखिए, क्रोनो बैरोमीटर। अब बैरोमीटर शब्द क्या होता है? वायु दाब नापने के लिए, एयर प्रेशर नापने के लिए। और क्रोनो का मतलब क्या बताया था? टाइम। देखो ऊपर लिखा हुआ है, क्रोनो का मतलब क्या होता है? टाइम। तो बैरोमीटर कनेक्टेड विद क्लॉकवर्क, एक ऐसा वायु दाब यंत्र, वायु दाब मतलब एयर प्रेशर जो मेजरमेंट करता है, एयर प्रेशर जो डिवाइस है, एक ऐसा एयर प्रेशर डिवाइस जिसको क्लॉक वर्क के साथ, यानी जिसको घड़ी के साथ या जिसको समय मापी यंत्र के साथ, टाइम मेजरिंग डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उसे क्रोनो बैरोमीटर कहते हैं। टाइम मेजरिंग डिवाइस के साथ जब एयर प्रेशर डिवाइस को जोड़ दिया जाता है, दैट म्यूचुअल डिवाइस इज नोन एज क्रोनो बैरोमीटर। ठीक है, तो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 से 8, दो वर्ड संख्या 5 से 8 अगर आपको समझ में आ गया है, यस या वाई लिखकर बताइए, और इन चारों वर्ड्स को एक साथ कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिए। चिनोलॉजी कुछ नहीं होता भाई, क्रोनोलॉजी लिखो मोहित बॉक्सर। ठीक है चलिए, फटाफट से बताइए, यहां तक कि अगर आपको बात क्लियर है तो यस या वाई लिखिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वर्ड नंबर 9 क्रोन से बनता है, ये है क्रोनो साइकिल ग्राफ। क्रोनो साइकिल ग्राफ, क्रोनो मतलब टाइम, साइकिल मतलब घूमता हुआ, और ग्राफ का मतलब होता है किसी चीज को कागज पर उकेरना, किसी चीज को कागज पर उतारना, या ग्राफ का मतलब होता है ड्रॉ करना, साइकिल का मतलब होता है राउंड राउंड, और क्रोनो का मतलब होता है टाइम। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अ फोटोग्राफ शोइंग द कोर्स ऑफ मोशन बाय टाइम्ड फ्लैशेस, एक ऐसा फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का मतलब एक ऐसा कागज पर जो चिन्ह बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, जिसमें हम कोर्स ऑफ मोशन शो करते हैं, वो भी टाइम फ्लैश के साथ, यानी कि किस तरीके से मोशन के अंदर चेंज आए और किस टाइम में क्या आए। T1, T2, T3, T4 अप टू TN ले लीजिए, T के अलग अलग पॉइंट्स ले लीजिए, इनको बोलते हैं टाइम फ्लैश। और इस पर जो आपका मोशन का कोर्स क्या रहा है, इस तरह का जो आपके पास छाया चित्र बनाया जाता है, उसे क्रोनो साइकिल ग्राफ कहते हैं। अरे भाई लिखो कमेंट में, लिखो वर्ड, लिखो क्रोनो साइकिल ग्राफ। अरे भाई लिख दो क्रोनो साइकिल ग्राफ, आपस में एक दूसरे का पता बाद में पूछ लेना भैया। ठीक है चलिए, अब आपको मैं दो शब्द एक साथ दे रहा हूं, 10th और 11th, कोई खासा फर्क नहीं है क्रोनोग्राफी और क्रोनोग्राफर। यहाँ पर दो शब्द आपके पास है, क्रोनोग्राफी और क्रोनोग्राफर आपके पास है। तो क्रोनोग्राफी या क्रोनोग्राफर, सॉरी क्रोनोग्राफी या क्रोनोग्राफ, दोनों ही वर्ड का एग्जैक्टली सेम मतलब होता है, और डिस्क्रिप्शन और रिकॉर्ड ऑफ पास्ट टाइम, यानी जिसको हिस्ट्री कहते हैं, या रिकॉर्ड ऑफ पास्ट टाइम हिस्ट्री के तौर पर क्रोनोग्राफी या क्रोनोग्राफ के तौर पर जाना जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ तक की बात क्लियर होगी। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्रोनोमेंसी। अब देखिए मेंसी शब्द का मतलब क्या होता है, क्रोनोमेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या आप इसको जानते हैं? क्रोनोमेंसी को हिंदी में आखिर क्या कहा जाता है? क्रोनोमेंसी का जो मतलब होता है, क्रोनोमेंसी लाइक इन तारे जमी पर ईशान मेड पिक्चर इन हिज ड्राइंग बुक व्हेन ही वाज इन हॉस्टल। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हाँ सारे के सारे वर्ड्स आज टाइम से रिलेटेड है, बिल्कुल टाइम से रिलेटेड है।
क्रोनोमेंसी का मतलब होता है समय के साथ साथ किसी चीज के अंदर दक्षता आती है, सादगी आती है, या किसी चीज के अंदर आप कोई छानबीन करने की कोशिश करते हो, तलाशी लेने की कोशिश करते हो, उस चीजों को क्रोनोमेंसी के तौर पर जाना जाता है। तो क्रोनोमेंसी होता है डिवाइनेशन टू डिटरमाइन द राइट टाइम फॉर एक्शन, किसी भी एक्शन को करने का जो राइट टाइम डिटरमाइन करने का जो डिवाइन होता है, जो अपने आप में एक ईश्वर आपको वो समय देकर भेजता है कि नहीं ये काम इसी काल दौर में होना जरूरी है, इसी कालखंड में होना जरूरी है, ऐसे समय दौर को जिसमें डिवाइन शक्तियां दैवीय शक्तियां आपके पास लगी होती हैं उसे क्रोनोमेंसी कहती हैं। जब ऊपर वाला जो ईश्वर जो मौला जो अल्लाह जो भी आप उस पावरफुल शक्ति को पावर को मानते हो, जब वो तय करता है कि इस इंसान के बढ़ने का, इस इंसान के प्रोग्रेस करने का, इस इंसान की अचीवमेंट का या अकम्प्लिशमेंट का आखिर सही समय कौन सा होगा, दैट काइंड ऑफ एक्चुअल राइट टाइम इज नोन एज क्रोनोमेंसी। क्या बोलते हैं? क्रोनोमेंसी, सही टाइम पर सही एक्शन लेना। बिल्कुल सही है। चलिए यहां तक की बात अगर क्लियर है क्वेश्चन नंबर 12 तक, तो एक बार जल्दी से जल्दी यस सर या नो सर करके बताइए, यस या वाई लिख कर बताइए, ठीक है? और सारे के सारे वर्ड्स को एक बार दोबारा से रिपीट कर दो कमेंट बॉक्स में, ताकि आप फिर से इनको देख पाओ, समझ पाओ। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और यहां से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और ये है क्रोनोलॉजिक। तो आई सी से खत्म होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, और यहाँ पर जो वर्ड बनेगा रिलेटिंग टू क्रोनोलॉजी, जो चीज क्रोनोलॉजी से संबंधित होती है, जो चीज समय से संबंधित होती है, जिसे क्रोनोलॉजिक का मतलब हो जाता है सामयिक, शुद्ध हिंदी में इसे सामयिक के नाम से जाना जाता है। अगला वर्ड आपके पास है क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली का स्पेलिंग एक बार ठीक कर लीजिएगा, एल एल वाई आएगा, यानी कि ये वाला एल नहीं आएगा, क्रोनोलॉजिकल लिखकर क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल लिखकर और एल वाई लगा देंगे, मतलब डबल एल होगा, तो क्रोनोलॉजिकली का मतलब हो जाएगा, ये एल वाई से खत्म होने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, अकॉर्डिंग टू पीरियड्स ऑफ टाइम इन विच द इवेंट्स टुक प्लेस लॉजिकली स्पीकिंग। जब आप तर्क से बात करते हैं, एक समय के बाद दूसरे समय पर बात करते हैं, और अक्सर कानून की दृष्टि में जब आपके पास कानून के अंदर एविडेंस शेयर किए जाते हैं, जिरह होती है, वहां पर आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं, तब आप एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरे के बाद तीसरा घटना जब बताते हैं, तो ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग व्हाट हैपेंड दैट नाइट क्रोनोलॉजिकली। उसने उस घटना के बारे में जो भी उस रात घटित हुआ था समय के साथ साथ बताया, अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टाइम बताया, कैसे कैसे कोई चीज घटित हुई थी, उसको क्रोनोलॉजिकली के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो 15 देखिए, क्रोनोमीटर। भाई मीटर का मतलब क्या होता है? किसी तरह का यंत्र, किसी तरह का डिवाइस, किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट। तो क्रोनोमीटर जो आपकी जेब में मोबाइल फोन है वो भी आज के दिन क्रोनोमीटर है, जो आपके हाथों में घड़ी पहन रखी होगी वो भी क्रोनोमीटर है, जो दीवार पर चलती टिक टिक कर रही है वो भी क्रोनोमीटर है। पहले लोग जेब के अंदर भी घड़ी रखते थे, जेब घड़ी बोलते थे, पॉकेट वॉच बोलते थे, उसे भी क्रोनोमीटर बोलते हैं। तो क्रोनोमीटर होता है इंस्ट्रूमेंट टू कीप टाइम, इंस्ट्रूमेंट टू कीप टाइम, समय को बरकरार रखने के लिए, समय से आप जानकारी साध्य रखने के लिए क्रोनोमीटर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्रोनोफर, क्रोनोफर भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ही होता है, सिग्नल्स द करेक्ट टाइम। क्रोनोफर होता है जो चीज आपको करेक्ट टाइम बताने की कोशिश करता है, करेक्ट टाइम बताने की कोशिश करता है, उसे क्रोनोफर कहते हैं। हाँ मतलब एक ही बात है, अगर आपको साथ साथ करेक्ट टाइम के बारे में इन्फर कर रहा है या सिग्नल कर रहा है उसके लिए यूज करते हैं। एंशियंट या आर्चिक इंग्लिश का मीनिंग है एन इंस्ट्रूमेंट सिग्नलिंग द करेक्ट टाइम टू डिस्टेंट पॉइंट्स बाय इलेक्ट्रिसिटी। बहुत दूर तक के पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो आपको करेक्ट टाइम के माध्यम चीजों के बारे में सूचित करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जरूर काम रहता है। ठीक है,
चलिए, एल्डर्स ऑलवेज एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑफ 1947 क्रोनोलॉजिकली. ठीक है, हाँ जी. क्रोनोफर का मतलब होता है बिजली का यंत्र जो ठीक समय का प्रसारण करता है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश. सारे बच्चे आज तो बढ़िया जवाब दे रहे हैं. सो क्रोनोफर एन इंस्ट्रूमेंट विच सिग्नल्स द करेक्ट टाइम बाय इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो बाय इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं, और यहाँ तक की बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये सेशन आपके पास डेली 9 बजे सुबह सुबह चलता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला वर्ड है क्रोनोस्कोप या क्रोनोस्कोपी. क्रोनोस्कोप का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स मिनट इंटरवल्स ऑफ टाइम. जो चीज मिनट के इंटरवल को यानी 60-60 सेकंड के ग्रुप्स को बांटने की कोशिश करता है, मेजर करता है, ऐसे यंत्र को क्रोनोस्कोप कहते हैं. द स्टडी ऑफ ब्रीफ इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय मीन्स ऑफ क्रोनोस्कोप. और क्रोनोस्कोप की मदद से जो हम छोटे छोटे टुकड़े, जो समय के छोटे छोटे हिस्से बनते हैं, उनका जो अध्ययन कहलाता है उसे क्रोनोस्कोपी कहते हैं. स्कोपी शब्द का मतलब भी स्टडी से रिलेटेड होता है. नोट कर लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, 2-4-5 बार इसको अभी की अभी बोल लीजिएगा ताकि जिंदगी भर ये बात याद रहेगी. ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कुछ बफरिंग की प्रॉब्लम नज़र आ रही होगी, तो शायद हमारी तरफ से या आपकी तरफ से कोई ना कोई एक ऐसी स्थिति होगी जहां पर इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि मेरे सामने इस समय मैं देख पा रहा हूँ बड़ी तेज बारिश आज भी आ रही है. दिल्ली मुखर्जी नगर स्टूडियो में जहाँ मैं हूँ वहाँ से सीधा सीधा मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर साफ सुथरी बारिश, बिल्कुल प्यारी सी बारिश आ रही है. लोग मजे कर रहे हैं, लोग अपने छतों पर बारिश का आनंद ले रहे हैं. चलिए अगला वर्ड है सिंक्रोनस, और सिंक्रोनस के साथ एक मैं वर्ड आपको दे रहा हूं, एनाक्रोनस. मुझे आप एनाक्रोनस का मीनिंग बताइए. एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है एनाक्रोनस. मैं आपसे एनाक्रोनस का मीनिंग पूछ रहा हूँ, फटाफट देख के बताइए. मुझे पता है अगर आपको पता होगा तो कमेंट कर देंगे, नहीं तो आप गूगल गुरु की मदद लेंगे, ले लीजिए कोई बात नहीं, ताकि एग्जाम में आपका ये वाला गलत ना हो. जी हाँ, क्रोनोस्कोप जो होता है वो आपका जो स्टॉप वॉच होती है उसे भी क्रोनोस्कोप कहते हैं. तो सिंक्रोनस का मतलब है, सिन का मतलब होता है बराबर, और क्रोन का मतलब होता है टाइम, और OUS से खत्म होने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करते हैं. तो हैपनिंग एट द सेम टाइम, जो चीज एक ही समय काल पे होता है, जो चीज एक ही समय काल पर होती है उस चीज को सिंक्रोनस कहते हैं, उस चीज को सिंक्रोनस कहते हैं. क्या आप जानते हैं कि सिंक्रोनस का सिनोनिम क्या बनता है? क्या आप जानते हैं सिनोनिम ऑफ सिंक्रोनस क्या बनेगा? फटाफट बताइए. एक ही समय पर घटित होने वाली चीजों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो चीज को एग्जिस्ट करती है, वेरी गुड, को इंसिडेंटल होती है, इस चीज को सिंक्रोनस कहते हैं. वेरी गुड. एनाक्रोनस का मीनिंग बताइए फटाफट से. एनाक्रोनस वेरी गुड. सिंक्रोनस को इंसिडेंटल तो कहते ही हैं, को इंसिडेंटल, या इसको को एग्जिस्टेंशियल, या फिर इसी को एक और शब्द के तौर पर भी जानते हैं, और वो है कंटेम्परेरी. कॉन्टेम्परेरी, ठीक है, वेरी गुड. साइमल्टेनियस भी बोल देते हैं इसको, एक साथ होने वाला. वेरी गुड.
एनाक्रोनस का मीनिंग बताइए मुझे, एनाक्रोनस का। तो एनाक्रोनस एक शब्द होता है आपके पास, और ये एन का मतलब है अपोजिट, क्रोन का मतलब है टाइम, OUS मतलब एडजेक्टिव। हैपनिंग अपोजिट टू टाइम, समथिंग विच इज हैपनिंग अपोजिट टू टाइम, मतलब जो आपका समय चल रहा है उसके विरुद्ध कोई काम हो रहा है। हैपनिंग अपोजिट टू टाइम मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास कोई काल दोष लगा होता है, जब आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज लगी होती है जो समय के विरुद्ध चलने की कोशिश करती है, उसे एनाक्रोनस कहते हैं। अगला शब्द है क्रोनोथर्मल, और क्रोनोथर्मल का मतलब देखिए, थर्म शब्द का मतलब होता है गर्मी या टेम्परेचर या हीट, और क्रोनो का मतलब होता है टाइम। तो टाइम और टेम्परेचर के रिलेशन को क्रोनोथर्मल रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 20th तक चीजें कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, वरना हम अब चल रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ, हम चल रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। फटाफट बताइए यहाँ तक की बात सही है या गलत है। सुष्मिता सिंह ने सही आंसर बताया, एनाक्रोनस का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकली मिसप्लेस्ड, जो चीज समय के रूप से मिसप्लेस होता है उस चीज को क्रोनोलॉजिकली मिसप्लेस के तौर पर जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नाउन के तौर पे बताना है एन एक्यूरेट टाइमर फॉर रिकॉर्डिंग टाइम, टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए जो एक्यूरेट टाइमर होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। फटाफट बताइए। फटाफट बताइए। देव भाई पूछ रहे हैं लास्ट पेज, लास्ट पेज मतलब थर्ड वाला, फोर्थ वाला, 12 से 14 वाला पूछ रहे हो क्या? अभी लास्ट में दिखा दूंगा देव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। तो एन एक्यूरेट टाइमर फॉर रिकॉर्डिंग टाइम, टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए जो एक्यूरेट टाइम बताने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, क्रोनोग्राफ कहते हैं, ये तो वर्ब होता है, ये एडजेक्टिव होता है, क्रोनोस्कोप अपने स्टॉप वॉच को कहते हैं, और ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को कहते हैं क्रॉनिकल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्रोनोस्कोप तो भाई टाइमर को नहीं, टाइमर तो एक डिवाइस है, और डिवाइस जो होता है, डिवाइस जो होता है वो ग्राफ से बनता है, स्कोप से जो बनता है वो स्टडी बनता है, स्टडी बनता है स्कोप या स्कोपी से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्रोनोग्राफ। क्रोनोग्राफ का मतलब होता है एन एक्यूरेट टाइमर फॉर रिकॉर्डिंग टाइम, टाइम को रिकॉर्ड जहां पर किया जाता है उसे क्रोनोग्राफ कहते हैं। क्रॉनिकल, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो बच्चे इस क्लास को जरूर देख लें स्टार्टिंग से, क्रॉनिकल का मतलब ये नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बीइंग लॉन्ग लास्टिंग एंड रिकरेंट और कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग सफरिंग, लंबे समय से जो चीज चल रही हो, लंबे समय से जो चीज रिकरेंट हो रही हो, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए फटाफट, गलती नहीं करनी है। देखो इतने आराम से इतने प्यार से आप सुनते हैं समझते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देव भाई बता दूंगा अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, 1 एंड 3 वाला पेज। वैसे तो मैंने आपको समय दिया था, लेकिन फिर भी आपको लास्ट में फिर से मैं रिवीजन कराऊंगा, तो उसमें मैं सारे पेज एक बार दोबारा दिखा दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएं। ठीक है देव, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सभी का राइट आंसर सही है, मतलब सभी का राइट आंसर सही आ गया है। क्रॉनिक, क्रॉनिक एक एडजेक्टिव होता है जो कि मतलब होता है लंबे समय से चलने वाला, क्रॉनिक डिजीज, और इसका उल्टा बताया था मैंने एक्यूट डिजीज। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर,
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, अन अकुरेट टाइमर फॉर रिकॉर्डिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या आएगा? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्रोनोग्राफ ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या कुछ अलग से आना था क्वेश्चन नंबर 3 का? जिन लोगों का फर्स्ट का आंसर डी नहीं आया था, मतलब गलत चला गया था, वो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? तो उम्मीद करता हूँ 3 का आंसर भी ऑप्शन नंबर डी आ गया होगा। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वर्ब के तौर पे एस्टेब्लिश द ऑर्डर इन टाइम ऑफ समथिंग, किसी चीज का समय का ऑर्डर एस्टेब्लिश करना, मतलब वर्ब के सेंस में। और मुझे हिंट देख के बताओ, प्रेफिक्स या सफिक्स देख के, कि कौन से वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं, कौन से वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं, किस चीज से एंड होने वाले शब्द वर्ब कहलाते हैं, फटाफट बताइए। क्रोनोलॉजाइज, क्रोनिकल, सिंक्रोनस, क्रोनोग्राफ या क्रॉनिक में से क्या राइट आंसर होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सही बता दिया है, आकृति ने सही हिंट दिया है। IZE और ISE से खत्म होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो वर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ए आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नाउन के तौर पे बताना है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अकूरेट मेजरमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम, छोटे छोटे इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करने वाला जो समय यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? अब बताइए, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि स्टॉप वॉच के सेंस में यूज होता है। और हमने देखा था स्टॉप वॉच के लिए कौन सी चीज यूज हुई थी, स्टॉप वॉच के लिए कौन सा स्कॉपी और स्कॉप रूट वर्ड से यूज हुआ था? फटाफट बताइए राइट आंसर क्या आएगा। मैंने हिंट बहुत सारे दे दिए हैं, आपका आंसर मुझे लग रहा है गलत ना आ जाए इस वजह से मैंने दिए हैं, फटाफट से बताइए। देखिए, सिंक्रोनस तो नाउन हो ही नहीं सकता, OUS वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, लॉजी का मतलब तो स्टडी होता है, ऊपर बात हो रही है इंस्ट्रूमेंट की, क्रॉनिकलर जो होता है वो एक पर्सन होता है जो क्रोनोलॉजी के हिसाब से सारी चीजों को सेट करता है। क्रोनोस्कोप और क्रोनोमीटर दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट के तौर पर मीटर जो होता है वो तो किसी भी तरह की जो वॉच है, घड़ी है, मोबाइल है, जो भी चीज जो नापने का काम करती है समय को, वो क्रोनो। लेकिन जो स्मॉल इंटरवल को नापती है उसे क्रोनोस्कोप कहते हैं। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समवन हु राइट्स क्रॉनिकल्स, एक पर्सन जो क्रॉनिकल्स लिखता है, इतिहास लिखता है, इतिहास के पन्ने लिखता है, वो ये लिखता है कि कब कौन सी घटना हुई थी, ऐसे पर्सन को क्रॉनिकलर, क्रोनोलॉजाइज, क्रोनोस्कॉप, क्रोनोलॉजी या क्रोनोग्राफ में से क्या कहते हैं? फटाफट बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD, फटाफट बताओ ABCD। शाबाश, फटाफट बताओ, शाबाश शाबाश शाबाश, देवेंदु का सही है, बिल्कुल सही है, सबसे पहले आंसर दिया। इसके अलावा अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आकृति का ठीक है, देव का ठीक है, शुभम का गलत हो गया, भूमि का ठीक है, देवेंदु बंधु का ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोहित का ठीक है, एनसी का ठीक है, ऋषभ सही है, SB सही है, AK पटेल सही है, सुष्मिता का भी सही है, भूमि का भी सही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा क्रॉनिकलर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, AK पटेल ठीक है, शुभम, जितेंद्र कुमार यादव, रवि टाइगर, बिल्कुल सही।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन डेफिनेशन में लिख रखा है, नाउन के तौर पे छांटना है। द डिटरमिनेशन ऑफ द एक्चुअल टेम्पोरल सिक्वेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स। टेम्पोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू टाइम, अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस या एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन टाइम, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। बीजेपी के प्रेसिडेंट ने या हमारे देश के गृह मंत्री ने इस वर्ड को एक बार बोला था और उसके बाद से ये वर्ड बड़ा फेमस हुआ, बड़ा प्रचलित हुआ। कौन सा शब्द है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर फटाफट बताइए। बोलो चलिए, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। क्रोनोलॉजी इज द राइट आंसर। क्रोनोलॉजी ऑप्शन नंबर यहाँ ए है, ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वेरी गुड। क्रोनोलॉजी ठीक है, देखिए रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट, क्रोनोलॉजी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन एक्यूरेट क्लॉक स्पेशली यूज्ड इन नेविगेशन। नेविगेशन में प्रयोग होने वाली एक ऐसी क्लॉक जो एक्यूरेट टाइम देती है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है, मीटर का मतलब एक क्लॉक, एक इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, तो इसको क्वेश्चन नंबर 8 को इसके बी से जोड़ देंगे। और उम्मीद करता हूँ ये वाला आंसर तो बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ रिकॉर्ड और नरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स, या फिर वर्ब के तौर पर कहें तो रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या फिर मेक अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। तो एक ऐसा शब्द है जो वर्ब में भी यूज होता है और नाउन में भी यूज होता है, और वो क्रोनोलॉजाइज तो केवल वर्ब में यूज होता है। जो क्रॉनिकल शब्द है वो वर्ब और नाउन दोनों में यूज होता है, और इसका मतलब हो जाएगा क्रॉनिकल। क्रॉनिकल का मतलब होता है एक ऐसा रिकॉर्ड जो पास्ट के इवेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन यानी लेखा जोखा देता है, या फिर वर्ब के तौर पे कहें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसी चीज को रिकॉर्ड करना, या किसी चीज का हिस्टोरिकल ऐतिहासिक दस्तावेज बनाने को भी क्रॉनिकल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एडजेक्टिव के तौर पर अगर यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा अकरिंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम और हैविंग द सेम पीरियड और फेज। जो समय सही, सेम समय पे एग्जिस्ट करती है चीजें, सेम समय पे एकर होती है, जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज होता है, पर्टेनिंग और रिलेटिंग टू अ ट्रांसमिशन टेक्निक दैट रिक्वायर्स अ कॉमन क्लॉक सिग्नल, ताकि रिसीवर को भी और सामने वाले को भी एक साथ वो चीजें समय चक्र पर सुनाई दिखाई दे। अ टाइमिंग रेफरेंस बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट देयर ट्रांसमिशन। दो ट्रांसमिटिंग डिवाइस को उनके ट्रांसमिशन के कोऑर्डिनेट करने के लिए एक ही समय पर होना चाहिए। और हिस्ट्री में पढ़े तो लगभग कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जो समय खंड था उस दौर के दौरान, जब हम इसको उत्तर वैदिक काल के अंदर पढ़ते हैं, तो ये दोनों के दोनों एक ही समय काल के लोग थे। तो इस एक ही समय काल पे जो चीजें होती है उसे सिंक्रोनस कहते हैं, और जो चीज एक ही समय पर नहीं होती उसे क्या कहते हैं। स्पेलिंग लिखकर बताओ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी, फटाफट से स्पेलिंग लिखकर बताओ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर तो बन गया सिंक्रोनस, 10 का आंसर तो बन गया सिंक्रोनस। लेकिन जो चीज सिंक्रोनस नहीं होती यानी सिंक्रोनस का जो एंटोनिम होगा वो क्या बनेगा। अरे भैया फटाफट बताओ सिंक्रोनस का एंटोनिम क्या बनेगा, फटाफट बताओ। अरे 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 जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं मैं नहीं बताने वाला, अब तुम बताओगे या तुम में से कोई एक जो भी पहले बताएगा, तुम लोग उसकी नकल मार लेना कमेंट बॉक्स में से।
कोई तो होगा, कोई तो बताएगा। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, एनाक्रोनस इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो एनाक्रोनस हो जाएगा, एनाक्रोनस। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी को बहुत बढ़िया लगा होगा। सो आज की चर्चा हमने की क्रॉन यानी टाइम से रिलेटेड रूट वर्ड, और नेक्स्ट क्लास के अंदर कल फिर से मिलते हैं 9 बजे, और कल एक नए रूट वर्ड के साथ जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी रहेगा, उसके साथ उसके बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ों के साथ। और मैंने अभी एक बच्चे से प्रॉमिस भी किया था कि मैं थोड़ी देर पहले आपको सारी की सारी चीज़ रिपीट कर दूंगा, तो एक बार सारे बच्चे एक बार देख लीजिएगा आज हमने कौन कौन से वर्ड्स को पढ़ा है। तो हमने इन तमाम 20 वर्ड्स को पढ़ा है जिसके अंदर पहले पेज पर ये वर्ड्स थे, क्रॉनिक, क्रॉनिकल, क्रॉनिकलर और क्रोनोलॉजी। फटाफट इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, अगला देखिए, इसी के अंदर एक और शब्द आपके पास थे, क्रोनोलॉजिस्ट, क्रोनोलॉजाइज, क्रोनोलॉजर और क्रोनोबैरोमीटर। फटाफट इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी 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 से। उसके बाद आपके पास क्रोनोसाइकिल ग्राफ, क्रोनोग्राफी, क्रोनोग्राफ या क्रोनोमेंसी। उसी के अलावा क्रोनोलॉजिक, क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोमीटर, क्रोनोफर। ठीक है, सो ये सब तमाम चीजें आपके पास यूज हुई है। और लास्ट में हमने पढ़ा था क्रोनोस्कोप, क्रोनोस्कोपी, सिंक्रोनस या क्रोनोथर्मल। ठीक है, इसके बाद हमने तमाम 10 क्वेश्चन इसके अंदर किए, और 10 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स सीपीओ सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आफकेट की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आफकेट का एग्जामिनेशन होना तय है, सीडीएस का एग्जामिनेशन होना तय है, और साथ ही साथ असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि सीएपीएफ का एग्जाम होना भी तय है। और इन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपके पास अड्डा 247 पर सारे के सारे बैचेस मौजूद है, तो आप सारे के सारे बैचेस को adda247.com पर जाकर कर सकते हैं, या फिर इसकी ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप परचेज करने के लिए मेरे कूपन कोड Y254 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके अंदर मेरे कूपन कोड Y254 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।